नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेल्थ चैनल डॉक्टर गौरव गुप्ता आनंद में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिपल वर्म मेरिडियन के 5 एलिमेंट्स पॉइंट बताने वाला हूं। अभी तक मैंने बहुत से मेरिडियन के बताए और इसमें भी बताने वाला हूं 5 एलिमेंट्स ऑफ ट्रिपल वर्म मेरिडियन। देखिए ट्रिपल वर्म मेरिडियन के जो 5 एलिमेंट होते हैं वो क्या है, कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनके फ़ायदे क्या है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ये सब के लिए काम का है। अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है तो भी आपके काम का है, और अगर आप एक्यूप्रेशर के स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र काउंसिल में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ऑररी पॉइंट कौन सा है, स्पेसिफिक पॉइंट कौन से है, सिडेशन पॉइंट कौन से है, वो सब भी इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर नहीं भी जानते तो भी आप ये सिंगल ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर अपनी बीमारी में राहत पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके काम का वीडियो है। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, पहले मैं बता दूं, ट्रिपल वर्म मेरिडियन यानी कि एक यंग मेरिडियन है। जैसा कि हम जानते हैं यंग मेरिडियन का जो पहला पॉइंट होता है, पंच तत्व का जो पहला पॉइंट होता है, 5 एलिमेंट का जो पहला पॉइंट होता है वो मेटल पॉइंट होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 1, ये मेटल पॉइंट है। और ये कहाँ पर, ये आपकी रिंग फिंगर में होता है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर होता है, ये देखिए रिंग फिंगर की स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पे होता है ट्रिपल वार्मर वन, ये आपका हुआ ट्रिपल वार्मर वन। ये दोनों रिंग फिंगर में होता है, दोनों साइड में, ये देखिए यहाँ पर दिखा आपको ये वाला, ये ट्रिपल वर्म वन है, ये देखिए ट्रिपल वर्म वन कहा जाता है इसको। ये बहुत काम का बिंदु है, फीवर के लिए, सोर थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है, रेडनेस ऑफ आइज, आंखों में रेडनेस हो जाती है, डिफनेस के लिए सुनाई कम देता है, उनके लिए भी बहुत काम का बिंदु है, हेडेक के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये स्पेसिफिक पॉइंट है फोर आर्म के लिए, फोर आर्म की कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट बताया गया है। इसके अलावा ये कंधों के दर्द के लिए अच्छा है, टिनाइटस के लिए अच्छा है, कानों से घंटे की आवाज़ आती है, कोई भी आवाज़ आती है तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में जब स्टेरॉइड की कमी हो जाती है, स्टेरॉइड कम बनता है, नेचुरल स्टेरॉइड जब कम बनता है तो भी आप इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यानी कि एलोपैथी में जिस तरह से स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर आप इस पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हैं सफलतापूर्वक, बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया फीवर हो रहा है तो आपकी जो सोर थ्रोट के लिए की कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हेडेक हो रहा है तो भी आप ट्रीटमेंट दीजिए। इसके अलावा एक और जो इसमें स्पेशल चीज़ है, लेडीज़ का या जेंट्स का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जेंट्स के टेस्टिकल में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भी इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता देखा गया है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 2, ये वाटर पॉइंट है। ये देखिए इसकी लोकेशन पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से हम जब करते हैं, ये भी रिंग फिंगर पर ही है, ये देखिए यहाँ पर है, ये आपका ट्रिपल वर्मा 2 है, ये देखिए ये आपका जो मार्क किया है ट्रिपल वर्मा 2 है ये पॉइंट, ये देखिए ये आपका ट्रिपल वर्मा 2 है, दोनों हाथों में, इस हाथ में भी यहीं पर है, ये वाटर पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रिपल वर्मा 2 है, ये ट्रिपल वर्मा 2 है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल वर्मा 2 है, ये देखिएगा वाटर पॉइंट है। ये थायराइड, पैरा थायराइड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया गया है इसको, थायराइड पैराथायरॉयड का मास्टर पॉइंट है ये, थायराइड ग्लैंड का, पैराथायरॉयड ग्लैंड का मास्टर पॉइंट कहा गया है इसको। इसके अलावा ये बार बार पेशाब आता है जिनको, उनके लिए भी बहुत काम का पॉइंट है ये,
ट्रिपल वार्मर टू वो इसको लगा सकते हैं। फिंगर में या फोर आर्म में स्टिफनेस हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत काम का पॉइंट है। दांत में प्रॉब्लम होती है, जबड़े में, मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि दांत में कुछ हो गया, पायरिया हो गया तो भी उस अन्य पॉइंट के साथ इस पर भी आपको ट्रीटमेंट देना है। ट्रिपल वार्मर टू पर भी आपको ट्रीटमेंट देना है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, ट्रिपल वार्मर थ्री। ट्रिपल वार्मर थ्री की बात करते हैं। देखिए ट्रिपल वार्मर थ्री एक वुड पॉइंट है, ये एक टोनिफिकेशन पॉइंट भी कहा गया है इसको। तो ये पॉइंट कहाँ पर है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये आपके रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर का जॉइंट जहाँ पे ख़त्म होता है, जॉइंट मिलता है, ये है आपका, ये ट्रिपल वार्मर थ्री है। मार्क करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए ये ट्रिपल वार्मर थ्री है, ये देखिए ट्रिपल वार्मर थ्री। अभी मैं आपको सुजोग भी बता दूंगा लास्ट में, सुजोग में ये पॉइंट कहाँ पड़ते हैं, आपकी उंगलियों में ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ट्रिपल वार्मर थ्री आपने देखा कि ये वुड पॉइंट है, टोनिफिकेशन पॉइंट है। ये किस काम आता है, डिफनेस के काम आता है। इसके अलावा मूग मदिर जिनको बोलना नहीं आता उनके लिए भी काम आता है, सुनाई नहीं देता उनके लिए तो काम आता ही आता है। टिनाइटिस के लिए अच्छा है, एक्यूप्रेशर करते टाइम कोई बेहोश हो जाता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा जो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है उनके लिए भी आप ये पॉइंट दे सकते हैं, तो उनको भी इसमें फ़ायदा करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी ये पॉइंट दिया जाता है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है तो आप इसका दे सकते हैं। शरीर का आकार नहीं बढ़ रहा है, शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही, तो ट्रिपल वार्मर थ्री बहुत ही काम का पॉइंट है, तो वहाँ दे दीजिएगा। हेडेक के लिए, फिंगर पेन के लिए तो ये है ही। अभी बात करते हैं ट्रिपल वार्मर सिक्स की। ट्रिपल वार्मर सिक्स कहाँ होता है पहले उसकी लोकेशन बता देता हूँ आपको। ये एक फायर पॉइंट है, देखिए ये चार उंगली आपको रिस्ट जॉइंट से चार उंगली नीचे इस तरह, देखिए ये चार उंगली नीचे इस तरह से, ये आपका, ये देखिए इस तरह से आपने मेजर किया चार उंगली, तो ये चार उंगली के बाद में ये जो पॉइंट आता है ये आपका ट्रिपल वार्मर सिक्स। ये हॉररी पॉइंट भी होता है, ये देखिए यहाँ पर चार उंगली किया आपने और यहाँ पर ये आपका हो गया है ट्रिपल वार्मर सिक्स। ये देखिए चार उंगली नीचे ये ट्रिपल वार्मर सिक्स है, सेंटर में ये ट्रिपल वार्मर सिक्स है। ये हॉररी पॉइंट भी है, हॉररी पॉइंट यानी कि 9 से 11 के बीच में आपको ट्रिपल वार्मर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रात को 9 से 11 के बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आई है या उस टाइम दर्द बढ़ जाता है या कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप इस पर ट्रीटमेंट देना है, सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना है दोनों साइड, तो उससे आपका प्रॉब्लम जो है ठीक होने लगेगी। जब आपको कोई भी इलाज करते करते फ़ायदा नहीं हो रहा है और 9 से 11 के बीच में आपने देखा कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है मुझे रात को 9 से 11, तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये करके देखिएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ये स्किन के लिए भी बहुत काम का है, स्किन डिजीज़ होती है, कोई भी स्किन का चर्म रोग है तो ये पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है। चाहे वो शीत पित्त हो या पित्ती उछलना हो या कोई भी प्रॉब्लम एक्जिमा हो, ट्रिपल वार्मर सिक्स बहुत ज़रूरी है, ट्रिपल वार्मर सिक्स पे आपको ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कॉन्स्टिपेशन की कोई भी समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप ट्रिपल वार्मर सिक्स दीजिए। इसके अलावा रुकावट हो शरीर में, कहीं भी कोई भी रुकावट होती है, गांठ वगैरह बन गई है, तो ट्रिपल वार्मर सिक्स पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि कोई स्टैग्नेशन होता है तो ट्रिपल वार्मर सिक्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए स्किन डिजीज हो गया, चेस्ट में पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है तो भी आप यहाँ पे ही ट्रीटमेंट देना है। हाथ पैरों में नमनेस हो गया है, बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, फीवर हो गया है तो भी ट्रिपल वार्मर सिक्स पर ट्रीटमेंट दीजिएगा। बहुत काम का बिंदु है, इस पर आपको इलाज करना ही चाहिए, इस पर ट्रीटमेंट देना ही चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये जो हमने बोला ट्रिपल वार्मर सिक्स फाइव पॉइंट था, अभी है ट्रिपल वार्मर टेन, ये अर्थ पॉइंट है। ये कहाँ पर है ये पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये देखिए हम एल्बो को फोल्ड करते हैं तो ये जो एल्बो की ये आपका ट्रिपल वार्मर एल्बो पर, ये सेंटर में, ये आपका ट्रिपल वार्मर टेन है, दोनों साइड में है दोनों। ये देखिए ट्रिपल वार्मर टेन, ये जो बोन पे है ये ट्रिपल वार्मर टेन है। ये देखिए फोल्ड करने पर जो आपके सेंटर में आया बोन उसके ऊपर करने से ट्रिपल वार्मर टेन होता है। ये अर्थ पॉइंट है, सीडेशन पॉइंट भी है, ये याद रखिएगा, सीडेशन
पॉइंट के अलावा स्ट्रोक में अच्छा है, माइग्रेन में अच्छा है, ईयर की कोई प्रॉब्लम होती है उसमें अच्छा है, नेक पेन के लिए अच्छा है, एपिलेप्सी में अच्छा है यानी कि मिर्गी में बहुत अच्छा है। सारे इसके अलावा सारे शरीर में जब भारीपन होता है, बहुत से पेशेंट आके बोलते हैं मेरे शरीर में भारीपन है और पूरे शरीर में दर्द है, तो ये ट्रीट यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से बहुत फ़ायदा होता है। अन्य ट्रीटमेंट दे रहे हैं और साथ में ये ट्रीटमेंट आप कर देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और ये समस्या बहुत देखी गई है लेडीज़ में कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट ज़रूर दीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है आपको। इसके अलावा पैरों में जब बार बार घाव होने लगता है, अल्सर होने लगता है पैरों में, तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट देंगे ट्रिपल वर्मर 10 पर। उदासी हो, डिप्रेशन हो, उसमें भी फ़ायदा है। इसके अलावा सांस फूलता है जिनको, उनको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अलावा ये चक्कर आने पर जब वर्टिको होता है तो वो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने बहुत पेशेंट पर यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से उनका चक्कर आना रोक लिया है। कानों से आवाज़ आने में भी यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा ट्रिपल वर्मा 10 पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये आप अप्लाई करके देखिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। जैसे मैंने बताया वर्टिगो में यानी कि चक्कर आने में भी बहुत काम का पॉइंट है, तो ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच, शेयर ज़रूर कीजिएगा।